जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है, इन्वेस्टर स्माइल एंड रियल्टी गुरुजी में आपका स्वागत है, जहां हम प्रॉपर्टी की नॉलेज को अपडेट करते हैं। आज का टॉपिक पुराने टॉपिक की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है कि कैसे हम अपने एक जो मकान का सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी और कपड़ा तो हम इजीली क्या है कि कर लेते हैं, बट एक मकान का जो सपना है, बड़े शहरों में मकान का सपना पूरा करना एक बहुत बड़ा टास्क माना गया है, बट आज की डेट में उसे हम इजीली कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम राहुल जी से जानेंगे। कि लोग कहते हैं 13 लाख रुपये में भी आप दिल्ली NCR में मकान ले सकते हो, 1 BHK 2 BHK आप 22-23 लाख रुपये में ले सकते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है, कौन लोग इसे ले सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होती है, घर का साइज़ होता है, इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम तसल्ली से आज हम गुरुजी से लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाय दोस्तों, सभी व्यूअर्स को थैंक यू कि जो आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो इन एडवांस थैंक यू। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज तक हमने इतना अच्छा टॉपिक कभी चूज नहीं किया होगा। ये सबसे बढ़िया टॉपिक इसलिए होने वाला है क्योंकि हम जो आप मकान की डिस्कशन कर रहे हैं कि सस्ता मकान कैसे मिलेगा, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपये 1 करोड़ रुपये के बीच में गुड़गांव में मकान मिलता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत सुना होगा मेरे को लगता है कि सभी लोगों ने, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ 13 लाख रुपये 1 BHK और तकरीबन 22 लाख रुपये के आसपास 2 BHK मिल जा रहा है, विच इज ऑल इंक्लूसिव। बिल्कुल, और उसमें 90% का लोन भी हो जाता है। तो इतने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है ना, और तकरीबन 3 से 4 प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू 2.67 लाख रुपीज की सब्सिडी भी मिल रही है। तो काफी इजी हो गया है गुड़गांव के अंदर मकान खरीदना। तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम साइट पे चल के इसके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन के जो डिस्कशन भी हो जाएगा, साथ में अपनी साइट टूर भी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, सेक्टर 81 में एक प्रॉपर्टी डिलीवर हो चुकी है, वहीं चलते हैं। बहुत बढ़िया है, फिर तो हम साइट पर चल के साइट पर एक्चुअल मकान भी देखेंगे, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी देखेंगे, साइज भी देखेंगे। इसीलिए आज जो आप ये कार में देख रहे हैं, आज कार में शूट करने का यही पर्पस था कि हमें साइट टूर के लिए इन्होंने मीटिंग साइट टूर अरेंज कर रखा है। तो चलिए हम साइट पर चलते हैं। कोशिश करूंगा कि 2 BHK आपको वहां पे मैं दिखा देता हूं। Okay. ये इसका लॉबी है, एंट्री एरिया है बेसिकली, हालांकि यहां 4-व्हीलर खड़ा हुआ है, बट यहां पे 2-व्हीलर की आपको कार पार्क, मतलब पार्किंग मिलता है। Okay. और उस तरफ भी ग्रीन बैग में भी थोड़ा सा 2-व्हीलर का कार पार्किंग मिल जाता है। तो आइए चलिए आपको मैं इसका एक बार दिखा देता हूं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसका अच्छा है, एक फ्लोर पे इन्होंने 8 यूनिट में बनाते हैं, एक टावर में एक फ्लोर पे। देखिए इसका 2 लिफ्ट दी हुई है इसमें, एक दिया हुआ है पैसेंजर और एक दिया हुआ है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वो थोड़ा बड़ा लिफ्ट होता है। चलिए, तो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, लिफ्ट भी इन्होंने काफी अच्छा दिया हुआ है,
ये पूरा टच स्क्रीन मतलब टच है, यहाँ पे स्क्रीन बोल रहा हूँ, मतलब टच स्क्रीन ही लगा लीजिए आप इसको, टच पैड दिया हुआ। लिफ्ट में साथ साथ इन्होंने स्टेयर्स भी दी हुई हैं, स्टेयर्स काफ़ी अच्छी बड़ी चौड़ी दी हुई है, मतलब ये लगा के चलिए कि 6 फिट का इन्होंने स्टेयर्स दिया हुआ है। तो अब हम राहुल जी से जानेंगे कि राहुल जी इसमें अफोर्डेबल्स का क्या साइज होता है, लोग कहते हैं बहुत छोटे साइज होते हैं, रह नहीं सकते हैं, और इसका प्राइस क्या होता है, तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जैन साहब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि छोटे हैं बिल्कुल। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि आपके व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को ये दिखाई देता हूँ कि कैसे एक्चुअल फ्लैट मिलते हैं। ओके आइए मार्केट। सबसे पहले ड्राइंग एरिया आता है, एक कॉमन एरिया है जिसको ड्राइंग और डाइनिंग एरिया हम बोलते हैं। ओके और 17x12 के आसपास ये एरिया मिलता है, और जो आप फ्लैट देख रहे हैं एक्चुअल ये फ्लैट है जो डिलीवर हुआ है फ्लैट। ग्रेट। इसके साथ ही कॉमन में ये एरिया आप चाहे तो पार्टीशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये सेम फिटिंग के साथ किचन एरिया मिलता है। ओके और ये एक रूम है, तकरीबन 10x10 का एक ये रूम मिलता है। एक छोटी फैमिली जो होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट एरिया है। इवन वाटिका जैसे बिल्डर्स भी जो है वो 55 लाख रुपीज के आसपास में मिलती है। वॉशरूम कॉमन है इसका, ये कॉमन एरिया है कि आपके गेस्ट रूम के लिए और उस पर्टिकुलर रूम के लिए। ये मास्टर बेडरूम है, इलेवन बाई इलेवन का मास्टर बेडरूम है, डेप्थ में जाके इसको दिखाओ। इसके साथ ही वॉशरूम अटैच है। अब इसमें डिपेंड करता है जैन साहब की, कुछ बिल्डर जो है वो बैल्कनी एक ही दे देते हैं और कुछ बिल्डर जो है इसमें दो बैल्कनी देते हैं, तो इसमें इन्होंने एक ही बैल्कनी दी हुई है, वो काफी यूज बैल्कनी दी हुई है। दिस इज वेरी ह्यूज बैल्कनी, आपको मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि ये अफोर्डेबल घर की बालकनी है, इतना यूज इसका, और बालकनी का व्यू देखे आपको लगेगा कि आप किसी 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में। एक्चुअली ना मिथ होता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग है तो अफोर्डेबल हाउसिंग में कंस्ट्रक्शन पुअर होगी, मेंटेनेंस पुअर होगी। आप उधर देखिए, जो यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं वो एनवायरो कंपनी का क्लीनिंग कर रहे हैं, यानी कि वाटिका हो गया या फिर बड़े बिल्डर्स हैं, उनका मेंटेनेंस भी यही कंपनी करती है और मेंटेनेंस भी उनका ये रखा है। दूसरा मैं बता देता हूँ कि ये ना प्रॉपर्टी जो होती है 5 साल तक मेंटेनेंस फ्री होती है। मेंटेनेंस फ्री इन द सेंस कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है वो मेंटेनेंस फ्री होता है, बट फिर भी एक इसका मेंटेनेंस आएगा, तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट के आसपास इसका मेंटेनेंस आएगा ही आएगा, 2 रुपीज समथिंग आता है जो मेंटेनेंस आएगा प्लस GST करके, तो वो मेंटेनेंस आपको पर मंथ देना ही देना होगा। ये कहा जाता है कि 5 साल का मेंटेनेंस फ्री, ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल का कुछ पर्टिकुलर मेंटेनेंस है वो फ्री है, अदरवाइज प्रॉपर्टी होगा जैसे गार्डन हो गया या फिर वाटर हो गया या फिर और भी कई सारी चीज़ें, उसका आपको मेंटेनेंस में पे करना पड़ता है। ओके तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि अंदर का लेआउट हमने देखा और कितना ब्यूटीफुल इसका लेआउट है, कैसी ब्यूटीफुल बालकनी है, बाहर का एरिया है, तो एक मेरा भी मिथ था कि घर छोटे होते हैं, बालकनी छोटी होती है, रूम साइज प्रॉपर नहीं होते, बट जैसे राहुल जी ने बताया और घर दिखाया हमें, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका साइज है। तो एक बार फिर हम इनसे रेट कंफर्म कर लेते हैं कि क्या रेट पे ये हमको मकान मिल जाता है। ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसमें डिपेंड करता है कि अर्बन एरिया का अफोर्डेबल है या फिर रूरल एरिया का है। तो अर्बन एरिया की बात करते हैं तो 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का इसका कारपेट एरिया पे चार्ज होता है। okay. और जो बालकनी का जो आपको देना पड़ता है वो 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे करना। ओके ओके तो तकरीबन जो हमने फ्लैट देखा वो 22 लाख रुपए के आसपास निकल के आता है। तो 22 लाख रुपए में देखा एक ब्यूटीफुल शानदार बेस्ट गुड़गांव के बेस्ट लोकेशन में से एक ही आता है, तो इजिली हम जैसा बता रहे हैं कि 22 लाख रुपए में हम इसको ले सकते हैं मकान को। अब नॉर्मली जो क्वेश्चन एक आते हैं सबके दिमाग में, वो क्वेश्चन अब हम राहुल जी से पूछेंगे और उसका जवाब हम आप तक पहुंचाते हैं। तो एक नॉर्मल ये क्वेश्चन रहता है कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या उसके नाम पे अफोर्डेबल्स पहले नहीं होना चाहिए,
कि कोई भी मकान नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में एक बार आप हमें बताइए कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है। देखिए, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, पर इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो यह है कि आपके नाम ऑलरेडी कोई दूसरा अफोर्डेबल ऑलरेडी निकला हुआ नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरा ये है कि एक कंडीशन ये होती है कि आपका ऑलरेडी कोई फ्लैट जो है वो हरियाणा डेवलपमेंट एरिया में नहीं होना चाहिए, यानी कि हरियाणा हुड्डा में नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्लैट प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसमें आपको फिर सेकंड प्रायोरिटी मिलती है, बट अप्लाई आप कर सकते हैं। तो देखा जाना हमने कि जैसे आपके पास ऑलरेडी अफोर्डेबल हाउस है, तो आप इसमें नए अफोर्डेबल हाउस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, जैसा कि गुरुजी हमें बता रहे हैं। तो ये एक काफी लोगों के मन में डाउट रहता था, तो इसमें अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके अंदर नॉर्मली जो कार पार्किंग का ऑप्शन रहता है, लोग कहते हैं कि कार पार्किंग मिलती है या बाइक पार्किंग मिलती है, तो इसमें ये क्या चीज अपने को मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, इसमें कार पार्किंग नहीं मिलता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको दिया जाता है वो टू व्हीलर का एक पार्किंग मिलता है। कार पार्किंग का इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसमें कार पार्किंग का ऑप्शन नहीं होता है, इसमें नॉर्मली आपको बाइक का जो है, बाइक का पार्किंग का आपको इसमें मिलता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो लोन प्रोसेस है, कितना लोन मिल सकता है, लोन का क्या इसमें प्रोसेस रहता है, उसके बारे में आप हमें बताइए। इसमें जैन साहब लोन जो है 90% लोन मिल जाता है इसमें किसी भी बैंक से, प्राइवेट हो चाहे वो अपना गवर्नमेंट सेक्टर से हो, सभी 90% का लोन दे देते हैं। ये ऐसे ले लीजिए, आपने अप्लाई कर दिया 5% से अफोर्डेबल को, उसके बाद में जितना भी 90% का पेमेंट है वो कंपनी बैंक दे देता है कंपनी को डायरेक्टली, और 5% का एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपको देना पड़ता है, यानी कि 10% का आपके पॉकेट से और 90% बैंक इसमें फंडिंग कर देता है। तो इसमें नॉर्मली अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है, आपके अगर ITR ये सब आप टाइम टू टाइम भर रहे हैं, तो जैसा बता रहे हैं 90% तक हम इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। और एक इसके अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सब्सिडी मिलती है, ये नॉर्मली इसमें मिलती है या नहीं मिलती, इसके बारे में भी एक लोगों को आप बताइए। बता देता हूँ आपको कि सबसे ज्यादा जो इसमें सपोर्ट मिल रही है अफोर्डेबल में, वो प्रधानमंत्री आवास योजना की है जो नरेंद्र मोदी जी ने निकाल रखा है कि अगर आपका पहला मकान है और आपके साथ ज्वाइंटली कोई, जैसे आपकी वाइफ है या मदर है, तो उसमें 2.67 लाख रुपीज का आप सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं। और बट उस केस में ना आपको लोन लेना जरूरी है, अगर आपने लोन ले लिया फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए का, तो 2.67 लाख रुपए तक का आपको सब्सिडी मिल जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट में से आपको लेस हो जाता है। चलिए, तो हमने ये जाना। और एक लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैंने अलॉटमेंट हो गया मेरा, मैंने ड्रॉ किया, मेरा अलॉटमेंट हो गया, बट अब मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे को इसको कंटिन्यू नहीं करना, तो इसको कैसे नॉर्मल कैंसिल करते हैं और इसमें क्या चार्जेस कटते हैं उसके बारे में आप बताइए। देखिए, पहले ये जो था सिर्फ 25,000 रुपीज के आसपास था। बट अभी कुछ नॉर्म चेंज हुए हैं। अभी उन्होंने टाइमली इसको कैंसिलेशन चार्जेस में डिवाइड कर दिया है कि अगर आपका अलॉटमेंट निकला और आपको तुरंत आपको कैंसिल करना है कि कोई सिचुएशन हो गई है, नहीं आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 25,000 रुपीज के चार्जेस। अगर आपको एक साल तक ले गए तो उसमें 1% प्लस 25,000 का है, ऐसे करते करते आपको 3 साल तक अगर इसको कैंसिलेशन के चार्जेस आते हैं तो 4.5 लाख रुपए तक के भी इसमें कैंसिलेशन चार्जेस हैं। नॉमिनल आप ये कह सकते हैं कि 25,000 से लेके 4.5 लाख रुपए के चार्जेस हैं कैंसिलेशन के। डिपेंड करता है कि आपने कैंसिल कब कराई। तो देखो, अब हमने जाना, लोगों का एक सोच था कि इसमें कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं करता है या कम होता है, ज्यादा होता है, तो एक प्रॉपर तरीका हमें पता चला कि इसमें अगर जितना जल्दी आप उसमें कैंसिल कराओगे, आपको पता चला कि मुझे नहीं लेना है, तो उतना कम आपके चार्जेस कटेंगे। तो नॉर्मल 25,000 के इसमें चार्जेस नॉर्मल रहते हैं अगर आप उसको जल्दी कैंसिल कराते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैं इसको लेने के बाद मेरा अलॉटमेंट मिल गया, सब कुछ हो गया, मैंने घर ले लिया, तो मैं अब इसको रीसेल कब कर सकता हूँ, क्योंकि एक मार्केट में मिथ है कि इसको रीसेल नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताइए। डेफिनेटली आप इसको रीसेल तुरंत तो नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा पोजीशन तक का, क्योंकि बिल्डर क्या करता है कि इस केस में, अफोर्डेबल केस में, सबसे पहले रजिस्ट्री कराएगा आपके नाम, फिर पोजीशन देता है, और उसमें क्लॉज मेंशन होता है रजिस्ट्री में कि आप एक साल तक इसको सेल नहीं कर सकते आफ्टर पोजीशन और रजिस्ट्री। तो आपको एक साल के लिए वेट करना पड़ेगा, और ऑन एन एवरेज एक टाइम फ्रेम में 5 साल का, यानी कि जिस दिन निकला बिल्डिंग को बनने में 3.5 से 4 साल लग गए और 1 साल और, तो टोटल 5 साल का फ्रेम आता है। बट ऐसे पकड़ लीजिए पोजीशन के 1 साल के बाद तक आप इसको सेल नहीं कर सकते। फिर उसको चाहे वो कभी भी दूसरा आदमी सेल कर सकता है 1 साल के बाद कंटिन्यूसली। तो देखा, बहुत ही इजीली इन्होंने बताया कि नॉर्मली जो फर्स्ट रजिस्ट्री हमने कराई है, फर्स्ट रजिस्ट्री के बाद 1 साल बाद हम उसे, उस प्रॉपर्टी को रीसेल कर सकते हैं।
बट उसने जब जिसने एक साल बाद खरीदा है वो चाहे तो उसे नेक्स्ट डे ही रीसेल कर सकता है, तो इस चीज से हम क्लियरली सेटिस्फाइड होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नॉर्मली इसमें जो मैं मकान ले रहा हूँ उसमें गवर्नमेंट के टैक्स चार्जेस क्या हैं, जो नॉर्मल अभी जीएसटी चल रहा है वो क्या जीएसटी रेट्स हैं? गवर्नमेंट ने कुछ प्राइस सेगमेंट फिक्स किया हुआ है, ये इसका कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू ना, तो इसमें कोई एक प्राइस है, बट अफोर्डेबल जो है वो 1% के क्राइटेरिया में आता है, यानी कि अगर आप अफोर्डेबल यूनिट खरीद रहे हैं कोई भी तो उसमें 1% का जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। ये पहले बढ़िया, पहले ज्यादा था, 12 था, फिर 8 हुआ, फिर 5 हुआ, फाइनली 1%। तो देखा कैसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है एक अफोर्डेबल मकान खरीदने के लिए, क्योंकि पहले जीएसटी कॉस्ट ही 3-4 लाख रुपए हो जाती थी, अब जीएसटी कॉस्ट रिड्यूस करके 1% जीएसटी कॉस्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट जो अपनी है इसके अंदर है कि जो नॉर्मल मैं इसकी रजिस्ट्री कराऊंगा तो रजिस्ट्री में मेरा कितना चार्ज लगता है, क्या रजिस्ट्री कॉस्ट आती है? देखिए रजिस्ट्री डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन में करा रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव में ही ना 3 स्लैब है, 3, 4, 5, 4, 5, 6 और 5, 6, 7% यानी कि 3F और लेडीज, 4F और जॉइंट लेडीज और जेंट्स का, और 5% जो है वो ओनली जेंट्स का। तो डिपेंड करता है कि आपकी एमसीसी के बाहर है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव के बाहर है या फिर अंदर है, बट फिर भी आप उन्होंने एवरेज आप लेके चले 1.5 से 1.5 लाख रुपए के बीच में इसका रजिस्ट्री के चार्ज। तो चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि नॉर्मल जो रजिस्ट्री चार्जेस है वो 3, 4, 5 जो एक स्टैंडर्ड रजिस्ट्री चार्ज बता रहे हैं वो स्टैंडर्ड जो 3, 4, 5 का रजिस्ट्री चार्जेस हैं। करेक्ट। तो इसमें जैसे एक ये लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अफोर्डेबल घर का फॉर्म भरना है तो ये क्या सिर्फ फीमेल के नाम से भर सकते हैं या कोई मेल भर सकता है या दोनों मिल के भरना चाहिए, इसका एक आप ये चीज क्लियर? कोई भी इसको फिल कर सकता है, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे लेडी हैं, बट इसमें एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इसको लोन ले रहे हो और प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको बेनिफिट चाहिए 2.67 लाख का, तो आपको लेडी उसमें कंबाइन होना चाहिए, उसके नाम और होना चाहिए, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे आपकी मदर हो, तो उसी केस में वो बेनिफिट बन सकते। चलिए तो इसमें देखा कि कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी लेनी है तो एक उसके अंदर एक फीमेल का नाम होना जरूरी है, तो आप उसमें सब्सिडी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास ऑलरेडी अफोर्डेबल हाउस है तो क्या मैं फिर भी एक और नया अफोर्डेबल हाउस ले सकता हूँ, एप्लीकेशन भर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने एक ये बेनिफिट ले लिया अफोर्डेबल का, आप नहीं कर सकते। आपके भैया कर सकते हैं, आपकी सिस्टर कर सकती है, आपके मदर कर सकते हैं, फादर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आपकी वाइफ नहीं कर सकती। ओके ओके। तो इसमें ये पता चला कि अगर मेरे नाम से या मेरी वाइफ के नाम से अगर ऑलरेडी एक अफोर्डेबल हाउस है तो हम दोनों इसको वापस नया अफोर्डेबल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जो ये बेनिफिट दिया है, जो सरकार इस पे काम कर रही है, ये यही कर रही है कि सबके पास एक अफोर्डेबल मकान होना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें कोई किसी का इनकम का क्राइटेरिया है कि अगर सपोज मेरी इनकम 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, तो मैं क्या इसको अप्लाई कर सकता हूँ? इसमें कोई इनकम का क्राइटेरिया तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली अफोर्डेबल खरीदने के लिए ऐसा कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, बट आपको PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट चाहिए तो उसमें आपकी इनकम कितनी है डिपेंड करता है, उसी हिसाब से सब्सिडी का कुछ है। ओके, तो देखा इसमें इनकम का भी ऐसा सच कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैसे मैंने अलॉटमेंट एप्लीकेशन आज भरा तो ये नॉर्मली ड्रॉ कब तक निकल जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसमें कई बार एक एक साल लगा देते हैं, दो दो साल लगा देते हैं, तो इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आप भरते हैं 2 महीने के अंदर अंदर ड्रॉ आ जाता है, 2-2.5 महीने का, कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के ना एम्प्लॉई आते हैं। ओके, यानी कि हो सकता है कि कोई SGO आ जाए या फिर SDM लेवल का बंदा आ जाए, उसके सामने ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, तो 2 महीने आप 2-2.5 महीने आउट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद 2 साल बाद ड्रॉ होगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। नॉर्मल जैसे ये डे टू डे एक्टिविटी में रहते हैं, ग्राउंड फील्ड में रहते हैं, बहुत लोगों को अफोर्डेबल्स घर इन्होंने दिलाए हैं, तो इनको सारा आइडिया है उस चीज़ का। मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि इसके अंदर नॉर्मली क्या गार्डन एरिया होता है, क्या इसमें जिम फैसिलिटी होती है, क्लब हाउस होता है, तो इसके बारे में आप बताइए। गार्डन एरिया तो डेफिनेटली आप देख ही सकते हैं, पंकज बटर दिखा पाएंगे आपको, और ऐसे ऐसे डिविजन काफ़ी है, और गेम का भी यहाँ पे बनाया हुआ है, राइट साइड पे उस तरफ इन्होंने बास्केटबॉल बनाया हुआ है, साथ में किड्स प्लेइंग एरिया काफ़ी बना रखा है, और मैंडेटरी होता है अफोर्डेबल की जमीन साइट होती है ना, तो 2000 स्क्वायर फीट का उनको क्रैच एरिया बनाना होता है, 2000 स्क्वायर फीट का उनको कम्युनिटी सेंटर बनाना होता है। ओके, तो ये मैंडेटरी है, ये 3-4-5 चीज़ें हैं जो मैंडेटरी बनानी पड़ती है। जिम का नहीं होता है,
कुछ लोग क्या करते हैं जो ओपन एरिया होता है उसमें ओपन जिम डाल देते हैं, वैसे जिम नहीं इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिम। ओके ओके। तो एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है वो है कि इसके अंदर जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो क्या मेंटेनेंस चार्जेस इस घर के अंदर रहते हैं? देखिए मेंटेनेंस यहाँ पे दो तरह के होते हैं सर, एक तो होता है बिल्डिंग का मेंटेनेंस चार्जेस और एक होता है फैसिलिटीज का मेंटेनेंस चार्जेस। तो जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस चार्जेस है जैसे कि बिल्डिंग का पेंट हो गया, लिफ्ट हो गया, आउटर जो एरिया हो गया, उसका मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे नहीं करना होता, 5 साल का मतलब बिल्डर ही मेंटेन करेगा इसको। और इसके अलावा लाइक जैसे वाटर हो गया, गार्डन हो गया और आपके गार्ड भी हैं और कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मिला के तकरीबन 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट मतलब 1800 रुपये के आसपास इसका आ जाता है। तो देखा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, अफोर्डेबल्स में जितने भी लोगों के डाउट थे सारे इस टॉपिक में हमने कवर किया है। तो और कुछ भी अगर डाउट हो तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डालें और हमारा वीडियो जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाए। तो यही था हम दोनों का एक ऑब्जेक्ट कि सस्ते घर का सपना सबका हो अपना। हमारा वीडियो क्वेश्चंस थे वो रहते हैं, तो कोशिश की है हमने आप लोगों तक पहुंचाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। जय।